दसवें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आज है तीसरा और आखिरी दिन। नमस्कार, आपका स्वागत है आप 24/7 में। मेरा नाम है सात्विक जायसवाल और आज हमारे साथ हैं एक जानी मानी लेखक डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने 3 दिन का इवेंट अटेंड किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। 2 दिन क्या किया, एक्चुअली पहले दिन नहीं आ पाई थी, तबीयत खराब थी, और पर उससे पहले मेरे ख्याल 3-4 हफ्ते हो गए होंगे जबकि संदीप जी ने बुलाया था एज ए मुख्य अतिथि के रूप में, और बहुत ही उन्होंने प्यार इज्जत सम्मान जो भी कहे, और अब मुझे वो भी दिया गया लाइफ टाइम मेंबरशिप, वो उस समय उन्होंने दिया, तो नेचुरली बहुत अच्छा लगा। उनकी शालीन तो बहुत अच्छी लगी, और मुझे अगर उससे भी बढ़कर एक चीज़ लगी कि जो व्यक्ति खुद में शालीन है, बड़ा अच्छी बात है, सब कुछ है, लेकिन वो गुण मैं आप सब में देखती हूँ, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं यहाँ से अभी किसी भी बच्चे से ऐसी नहीं मिली हूँ जिसने कि कोई मुझे घमंड दिखाया हो या किसी बदतमीजी से बात करी हो या थोड़े से ऊँचेपन पे बात करी हो, ऊँची आवाज़ में भी आप लोगों ने बात नहीं करी, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आज की संस्कृति से हम चाहते हैं, और जिस तरह से आजकल कहा जाता है कि बच्चे थोड़े सुदंड हो गए हैं, सब बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं मिली। और चूँकि 60 सालों से मैं टोरंटो कनाडा में रह रही हूँ, और जो बातें होती हैं वो कई बार सुनी सुनाई भी होती हैं, और जब उसका खुद उसका अनुभव करते हैं, और जब अनुभव में आपको दूसरी बातें मिल जाती हैं, तो सचमुच एक ऐसा आश्चर्य हो जाता है कि अरे हमको तो ऐसा बता रहे थे कि ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, और ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, और संदीप जी को और सुशील जी और हरिप्रिया, 3-4 लोगों से जो मैं मिल चुकी हूँ, और उन सब में जो शालीनता है, शायद वही आप लोगों की शिक्षा का केंद्र है, और शायद उन्हीं से आप लोग इस तरह से सीख रहे हैं, या आप में अपने आप भी वो गुण है, क्योंकि सिखा कोई तभी सकता है जिसमें जो कि सीखने के लिए कोई उद्यत, तो अगर आप सीखना ही नहीं चाहेंगे तो आपको कितना कोई सिखा ले, आप नहीं सीख पाएंगे। तो वो चीज़ मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत आप लोगों का आभार कहना चाहूँगी कि नई जनरेशन के प्रति जितनी भी भावनाएं दूसरी जगह बना दी जाती हैं उसका आप सबने खंडन कर दिया, उन सबको धराशायी कर दिया है, उन सबको हमें बता दिया है कि नहीं, भारत की वो जो नई पीढ़ी है उसमें अभी भी जो हम छोड़ के गए थे वो सात्विकता है, और ये सात्विक बैठे हैं तो सात्विक के साथ सात्विकता कैसे ना आएगी, और तो वो आश्चर्य होता अगर ना आती। तो हमें बहुत खुशी है कि आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, और आपके उसमें मैं खरी उतरूंगी नहीं उतरूंगी ये बड़ी बात है, ये सोचने की भी बात है, लेकिन सात्विक सचमुच ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे इस कैंपस में आकर के, और पहले भी जैसा मैंने कहा आई थी, अभी भी 2 दिन से आ रही हूँ, पहले दिन बीमार हो गई थी तो नहीं आ पाई, और आप लोगों ने सचमुच, ऐसा नहीं लगता कि ऊपरी दिखावा है ये, ऐसा लगता है कि दिल से ही आप लोग उस तरह से प्यार दे रहे हो, उस तरह से इज्जत दे रहे हो, जो आपने जो करुणा और दया मुझ में होनी चाहिए, दयालुता, वो आप लोगों में देखिए, मेरा जो भी हाथ पकड़ के ले जाता है सचमुच ऐसा एहसानमंद मैं हो जाती हूँ कि ऐसा लगता है कि वो मेरे माँ है जैसे, कि चल बेटिया तेरे को पकड़ के ले जा रही हूँ तो ठीक रहना, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना लग जाए, हाथ पकड़ेंगी तो दबाना ना कहीं हो जाए कि कहीं ज़ोर से दब जाए, वो मातृत्व की भावना आप लोगों में मिल रही है जो मुझ में होनी चाहिए बुढ़ापे में, तो मेरे हैट्स ऑफ टू यू पीपल। मैम, जैसा कि आप कनाडा में रहती हैं तो वहाँ के लोग भारतीय साहित्य को किस नज़रिए से देखते हैं? 2 चीज़ें हैं, शायद मैं अपना ही उदाहरण दे के आपको इस बात को कहना चाहूँगी कि मैंने साहित्य की हर एक विधा में पुस्तकें लिखी हैं, 30 के करीब पुस्तकें हो गई होंगी, और पहले वही जैसा होता था कि कहानी लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, और उसके विषय वस्तु अलग अलग हो जाती थी, ठीक था, लेकिन 10-15 साल से मुझे ये लगा कि जैसा आपने अभी पूछा है कि भारतीयता की जो संस्कृति है हमारी भारतीय, वो वहाँ पर नहीं पहुँच रही थी,
और हमारे बच्चों में भी, जबकि मैं ये कहती हूँ बच्चे तो मेरे दो बेटे हैं, तो मैं केवल उन्हीं को अपने बच्चे नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे उनके जो दोस्त भी हैं, जो मेरे दोस्त के बच्चे भी हैं और जो कनेडियन बच्चे भी हैं, चाहे वो किसी भी, वहाँ जात पात तो होती नहीं है कि हम या जैसे यहाँ कह देते हैं कि भाई इस जात के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, फलाना है, वहाँ ये सब तो होता नहीं, तो एक ही डर में सबको डाल दिया जाता है कि कनेडियन बच्चे हैं। और वो चीज़ मुझे बहुत भाती है कि एक एक देश है, जैसे हम वहाँ जाके हम कहें भारतीय हैं, हम ये ना कह पाएँ कि हम ठाकुर हैं, कि हम शर्मा हैं, कि तिवारी हैं, कि हम सिख हैं, कि हम हिंदू हैं, उसकी जगह मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम जब कहेंगे हम भारतीय हैं। और वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि वहाँ पे कई कंट्रीज के लोग हैं, आजकल इटालियन भी हैं, पॉलिश भी हैं, इंग्लिश भी हैं, अमेरिकन भी हैं, कितने कंट्रीज़ के हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़, बल्गेरिया के, बड़ी छोटी सब कंट्रीज़ के हैं, भारत के भी हैं, लेकिन वहाँ किसी से आप पूछ लो, बच्चे से भी पूछ लो, हु आर यू, आई एम कनेडियन, और गर्व से कहते हैं। और वही चीज़ मैं यहाँ लाना चाहती हूँ कि आज हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो मैं अपने बच्चों को भी अब वही कहती हूँ कि तुम वहाँ रहते हो, यूर कनेडियंस, यूर इंडियंस, बट यू कनेडियंस एज वेल। तो दोनों संस्कृतियों को मिला के तुम चलो और ऐसी एक संस्कृति बनाओ कि जो वहाँ पे लोग कह सके पाश्चात्य में कि अरे भाई इतनी अच्छी इनकी संस्कृति कि हमें उससे लेना पड़ेगा, बनिस्पत की जो ये कहा जाता है कि अरे अंग्रेज़ों के मैनर्स बहुत अच्छे हैं, फलाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, इसमें कोई शंका की बात नहीं, हमारे जो अच्छाई थे हम खोते चले जा रहे हैं, अगर उन अच्छाइयों को हम पकड़ते चले जाएं तो मुझे लगता है कि एक हम ऐसा राष्ट्र तो नहीं कहूँगी लेकिन ऐसा एक देश या ऐसी एक ब्रह्मांड बना सकते हैं जो कि ये ना कहे कि हम कौन हैं कौन नहीं, हम एक मानव हैं, मनुष्य के रूप में हम अच्छे एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे से प्यार कर सकें, एक दूसरे के लिए अपने को समर्पित कर सकें। और उस दृष्टिकोण से जो मैंने लिखना भी फिर बाद में शुरू किया, एक पूरा पश्चिम किताब लिखी और उसमें यही लिखा कि जैसे आप लोग जब आते हो यहाँ से इमिग्रेट करके वहाँ आते हो तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्यों जाते हैं यहाँ से, हमें कोई ना कोई तो वहाँ पे ऐसी अट्रैक्शंस हैं, आकर्षण ऐसे ज़रूर हैं जब हमें वहाँ खींच ले जाते हैं और वहाँ से फिर आने भी नहीं देते, हम आते हैं, मिलते हैं, करते हैं, सब अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, फिर वापस जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं बाहर, तो मुझे लगता है कि कम से कम हम क्यों उधर जाते हैं, क्यों उधर के लिए आकर्षित होते हैं, उन तथ्यों को पहचाना जाए और उन तथ्यों को अगर हम यहीं ले आएंगे तो हम यहाँ से जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर हम यहाँ से जाते हैं तो वहाँ जाके वहाँ के लिए भी हमें करना है कि अब हम वहाँ के भी सिटीजन हो गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कनाडा को बुरा बने और गालियाँ ही देते रहे सब टाइम, तो भाई हम जा क्यों रहे हैं, वहाँ रह क्यों रहे, अगर इतना ही वहाँ ख़राब है तो भाई अब वापस चले आइए, ना कनेडियन गवर्नमेंट ने आपके पैरों में बेड़ियाँ डाली रखी हैं, जेल में डाला है, ना यहाँ से आपको भगाया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। तो जब दोनों ही अवस्थाएं हैं तो जहाँ रहिए अपनी मानवता को बनाए रखिए, यहाँ वहाँ रहिए तो एक ऐसा आदर्श पेश करिए कि हाँ भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि जब हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ की बुराई करते रह जाते हैं, भारत में ऐसा, भारत में ऐसा, ये कमियाँ हैं, अरे भाई भारत में कमी है तो उसको ठीक करिए, और कौन आएगा, कोई बाहर से थोड़ी आ जाएगा ठीक करने, हम ही उस बातों को ठीक करेंगे, हम ही उस समस्याओं को सुलझाएंगे। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिर अब 40-40 साल से आप वहाँ पर रह रहे हैं, मुझे 60 साल हो गए, और फिर वहाँ गए, अरे पाश्चात्य तो ऐसा है, पाश्चात्य में ये कमी है, तो भैया क्यों रह रहे हो, वापस आ जाओ,
तो जो एक मानसिकता हमारी बन गई है कि ना यहाँ खुश ना वहाँ खुश, तो कहीं तो आपको खुश रहना पड़ेगा। और वही मेरा उद्देश्य हो गया था जो अब चली गई हूँ इस चीज़ों में। शुरू तो मैंने करा था ये कैकेयी चेतना शिखा से, उपन्यास से शुरू करा था, और संस्कृति की बात थी। और सबसे पहले मुझे लगा था कि माँ एक ऐसी है कि कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी। पर कैकेयी को जिस तरह से यहाँ पे और साहित्य में कई सालों से दर्शित किया जा रहा है कि उल्टा थी, पति को खा गई, पुत्र को उन्होंने दे दिया, राम के प्रति उन्होंने बड़ा कुछ किया, तो एक मेरा उद्देश्य यही था कि मैंने 6 रामायणों से और काफी रामकथा ग्रंथों से उनके दोहे चौपाइयाँ सब निकाल के, जिसमें वाल्मीकि, तुलसी, आध्यात्म, आनंद, कम्भ, पंपा, ये सारी रामायणें थी, और प्रमाणित करके लिखा कि कैकेयी का जो चरित्र हम अपने में बसाए हुए हैं कि कैकेयी कोई अपने बच्चे को कैकेयी का नाम नहीं देना चाहता, उस भ्रम को मैंने तोड़ा है इस पुस्तक में, और प्रमाणित करके तोड़ा है कि जितनी रामायणें आए, वो वाल्मीकि तो अपनी है ही सबसे पुरानी रामायण और उस युग की है जब वो थी वहाँ पे, तो अगर कैकेयी इतनी खराब थी तो वाल्मीकि ने क्यों नहीं लिखा, और बाकी रामायणों ने क्यों नहीं लिखा। तुलसी जरूर है, तुलसी में एक क्या है कि राम भक्त है, राम के खिलाफ कोई भी बात हो जाती है तो वो मान्य नहीं है उनको, चाहे वो सीता जी का करैक्टर हो, चाहे किसी का भी करैक्टर हो, और उसमें कैकेयी भी जाती हैं। लेकिन तुलसी से भी मैंने प्रूव करके लिखा है, और इसमें कभी भी 36-30 पेज की भूमिका नहीं लिखी, इसमें लिखनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो जो मैंने कोटेशन दी है वो सब दोहे चौपाइयाँ सब पेज नंबर सब निकाल के कि ये है, और इससे प्रमाणित होता है कि कैकेयी का नकारात्मक पक्ष जो हम दिखा रहे हैं वो नहीं है। कैकेयी ने इसलिए नहीं किया कि उनका अपना कोई स्वार्थ था, बल्कि राम की प्रशस्तता को बढ़ाने के लिए ही कैकेयी ने सब कुछ किया है। और अगर राम जाते भी मारने तो अपनी प्रजा लेके जाते, सब कर जाते, जो श्रेय राम को अकेले ब्राह्मण को मारने में मिला है, क्या वो कहीं और मिल सकता था उनको? कभी कभी नहीं मिल सकता था। तो उस दृष्टिकोण से कैकेयी ने एक परोपकार किया है और राम की प्रशस्ति के लिए ये काम किया है कि बिना सेना के, बिना किसी के, अकेले, कोई उनके पास शस्त्र नहीं है, तलवार भी उनको अगस्त मुनि ने दी थी जबकि बहुत देर बाद दी गई है, केवल धनुष बाण था उनके पास और कुछ भी नहीं था उनका। तो ये तो कैकेयी के, बल्कि हमको तो मानना चाहिए कि कैकेयी ने परोपकार किया है एक तरह से। और तो इसमें तुलसी के भी उदाहरण दिए हुए हैं कि तुलसी ऋषि मुनियों के मुंह से, बाकी मुंह से, या जब राम जाते हैं, आई थिंक वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि आश्रम था या भरद्वाज आश्रम था, जब वो जाते हैं और वो कुछ कहते हैं तो मुनि एकदम से कह देते हैं राम मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों बन जा रहे हो, कैकेयी ने तुम्हें क्यों भेजा है, तो परोक्ष रूप से वो भी कहलवा देते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से कि भाई ऐसी माँ है, उल्टा है, फलाना ढिकाना, वो सब किया है। और वही चीज़ मुझे संस्कृति की बात जब आ जाती है तो यही मैंने कहा कि मुझे कुछ सालों से ये चीज़ अखर रही थी कि हमारी संस्कृति को वो बढ़ावा नहीं मिला बाहर जाके, कि हम खुद ही भूल गए थे उसको। अगर हम खुद ही भूल गए तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? और बहुत बार होता है कि हम अपनी अपनी संस्कृति को ना जानने के, उससे कोई हमसे पूछता भी है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, और जब दूसरा मजाक उड़ाता है तो हम उसका विरोध नहीं करते, कि हम खुद ही नहीं जान रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो हम उसका विरोध नहीं करते बल्कि हम उनके साथ मिल जाते हैं, हाँ हाँ ही हम भी कर देते हैं उसके साथ में। तो मेरा एक यही उद्देश्य था कि ये सब लिखने का, लोकनायक राम लिखने का, मैंने उनको ईश्वर के रूप में नहीं देखा, मैं चित्रकूट में पैदा हुई, मेरे आराध्य हैं वो, लेकिन ईश्वर के रूप में जब देखते हैं तो वो बाकी धर्मों के जो आप प्रबल कह सकते हैं उस रूप में मैं उनको नहीं ला पाई,
क्योंकि हमारे ईश्वर है, हमारे राम है, हमारा धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है। लेकिन जब मैंने उनका नाम दिया लोकनायक राम दिया, कि लोक का नायक तो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, और अगर आप में इतनी क्षमता है आदर्श पुरुष बनने की तो ईश्वर अपने आप ही बन जाता है। तो उस दृष्टि से मैं उनका नाम ही लगा लोकनायक राम। और जब मैं जयशंकर प्रसाद जी का मुझे सम्मान दिया गया इसके प्रति, तो वहाँ पे अवध रत्न जो दिया गया, और कौन सा एक उनका है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने भी कहा, और उन्होंने कहा नहीं आप तो धर्म के ऊपर लिख रही हैं। तो हमने कहा कि देखिए आपने पढ़ी है क्या पुस्तकें, तो बोले नहीं। तो हमने कहा किस संदर्भ में, किस बूते पे आप कह देती हैं कि धर्म है ये? तो हमने कहा नाम ही से ले लिखा है कि लोक नायक है, लोक कोई भी नायक हो सकता है, पढ़ के देखिए। तो उन्होंने मोहम्मद जायसी अवार्ड दिया बाद में इसके, यू नो, कि आपने ठीक लिखा है। तो ऐसे ऐसी और भी पुस्तकें निकल रही हैं आपके, पता नहीं कितना समय है, आपका समय ज़्यादा ले रही हैं उसके ऊपर। और मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आज के दौर में साहित्य का क्या महत्व है, जहाँ पे लोगों को टाइम भी नहीं है बुक पढ़ने का? देखिए जहाँ समय की बात होती है, ये कहना बड़ा आसान होता है कि टाइम नहीं है जी, पर जिसको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है जी, है ना। मुझे कई बार टाइम नहीं होता तो क्या होता है, चिट्ठियाँ हैं, किताबें हैं, बड़ी बुरी बात मैं कह रही हूँ, पर मैं बाथरूम में है, वहाँ है, जाके ले जाती हूँ, पढ़ती हूँ, क्योंकि समय मिल रहा है, वो समय नहीं बर्बाद कर पाती हूँ। तो ये कहना कि समय नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ। आप समय कहीं ना कहीं से काटेंगे, अगर आपको पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ेंगे। आपको जो भी सीखना है, आपको म्यूजिक सीखना है, आपको डांस सीखना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप उसके लिए समय निकाल लेंगे। तो समय के कहना कि भाई समय नहीं मिलता है, तो ये एक क्या कहें उसको, बताइए आप किसी चीज़ को अलग करना चाह रहे हैं, उसका एक बहाना बनाना चाह रहे हैं, तो बहाने तो बहुत हो जाएंगे। आप पढ़ना चाहेंगे, समय निकालना चाहेंगे, जिसके लिए भी आप निकालना चाहेंगे निकलेगा वो समय, वो आपके ऊपर है। मैम एक लेखक के रूप में आप सफलता को कैसे परिभाषित करती हैं? जहाँ तक अपना सवाल है, दूसरों का नहीं कह सकती, अपने सवाल में ये कहूँगी कि जो मुझे संतुष्टि देता है जी, वो मेरे लिए अनफ है, काफ़ी है। पर बहुत बहुत बार क्या, हर बार यही होता है कि आप जितना लिख लेंगे संतुष्टि नहीं आती जी, वो लगता है कि नहीं इसमें और आ सकता था, इसमें ये कर सकते थे, इसकी भाषा बदल सकते थे। तो आप नई किताब लिखते हैं, उसमें नया प्रयास करते हैं, उससे भी संतुष्ट, कि जिस दिन आप संतुष्ट हो गए आप जीवन खत्म हो गए, साहित्यकार नहीं रह गए वो जी। संतुष्टि तो कभी नहीं आती है, ना आनी चाहिए। आप उसके लिए इंस्पायर करते रहते हैं, अपने को सोचते रहते हैं कि इससे बढ़ के करें, इससे बढ़ के करें, और टॉपिक लें, ऐसे टॉपिक लें जो कि ना हो। अगर बुरा नहीं मानेगा, मैं कहना चाहूँगी कि एकदम से जो आजकल बहुत समस्याएं चल रही हैं हम लोगों की, जातिवाद लेकर, बाकी लेकर के, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह के ऊपर मैं लिखना चाह रही हूँ, पटना जाना चाह रही हूँ, चूँकि उनका साहित्य में लाना चाह रही हूँ जो कि ओरिजिनल साहित्य है, ना कि किसी और के द्वारा लिखे हुए को पढ़ूँ और फिर उसको लिखूँ। उन्होंने इतना कुछ हिंदू संस्कृति पे लिखा हुआ है, देवी देवताओं पे लिखा हुआ है, हमारा पूरा गुरु ग्रंथ साहब भरा हुआ है। तो किस बूते पे आप कह देते हैं कि हम अलग हैं? अलग कैसे हैं हम? दसवें गुरु उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ही तो इस पंथ का जन्म दिया है, इस पंथ को उन्होंने अपना, उनके पिता ने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने किया, अपने बच्चों तक जो इंसान देखे, अपने चारों बच्चों को मरता देखेगा, कौन ऐसा पिता हो सकता है? इतने के बावजूद उन्होंने इस पंथ को चलाया, क्यों? कि आप रक्षा कर सके। और वो पंथ अलग हो के अगर आपसे कह दे कि हम अलग हैं, तो भाई अलग कैसे हैं? तो
इसलिए उसमें मैं गुरु गोविंद सिंह के उसमें लिखना चाहती हूँ कि माई हैट्स ऑफ टू हिम, कि जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है क्या और कोई कर पाएगा। पूरा जीवन उन्होंने कर दिया, पति पत्नी कर दी, बच्चे कर दिया, सब कर दिया। और बच्चों का सेक्रीफाइस करना सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। आप आपस में कर लेंगे लेकिन किसी अपने बच्चों को जाते देखना अपनी आंखों के सामने और इस तरह जाते देखना बहुत बड़ी बात है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को जितना भी हम मान सकें वो बहुत कम होगा। और उस दृष्टिकोण से अगर बांटा जाएगा तो शायद उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं होगी। थैंक यू सो मच मैम आपके आप समय देने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ आप 24/7 नोएडा में।